प्रगति भवन के सामने ऑटो को आग लगाकर खवातीन को मुफ्त सफर की सहूलत के खिलाफ ऑटो ड्राइवर का अनोखा एहतजाज। हैदराबाद में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रम मार्का की सरकारी रिहायशगाह प्रगति भवन के सामने एक ऑटो ड्राइवर ने पैसेंजर्स ना मिलने पर दिल बर्दाश्ता होकर ऑटो को आग लगा दी। यह वाकया जुमेरात की शाम बेगमपेट में प्रगति भवन के सामने पेश आया। तेलंगाना में कांग्रेस इख्तदार में आने के बाद आरटीसी बसों में खवातीन को मुफ्त सफर की सहूलत फराहम की गई थी, जिससे ऑटो ड्राइवर्स मुफ्त सफर की सहूलत खत्म करने का मुतालबा करते हुए गुज़िश्ता चंद दिनों से एहतजाज कर रहे हैं। इसी एहतजाज के तौर पर महबूब नगर जिले से ताल्लुक रखने वाला 45 साल देवा नामी ऑटो ड्राइवर आज शाम प्रगति भवन के सामने ऑटो रोक दिया और अपने साथ लाए हुए पेट्रोल को ऑटो पर छिड़क कर उसे आग लगा कर अनोखा एहतजाज किया। प्रगति भवन के पास मौजूद सिक्योरिटी अहलकारों ने ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और आग को बुझाने में कामयाबी हासिल की, लेकिन ऑटो पूरी तरह तबाह हो गया।